हमारे लोगों ने किन मुल्कों की तरक्की में बड़ा ही कंट्रीब्यूट किया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बच्चा पंजाब में पैदा होता है, जनसंख्या यहाँ बढ़ जाती है, खुशी होती देख के। हाँ जी, आप अभी इधर ही, आपको डिपोर्ट नहीं किया किसी ने, खुशी होती देख के। जो आप लोगों ने कलाकार बना दिए, नहीं तो ऐसे हम लोग, ये तो हमारा काम ही, वैसे हम पहले बैठे यही सब कुछ करते रहते हैं। पंजाब में, बॉम्बे में जाकर पता चला इन सब चीज़ों के पैसे भी मिलते हैं। तो मैं मुझे तो स्टेज पे आता हूँ, मैं हमेशा डरता हूँ बोलूँगा क्या, सब अच्छी अच्छी बातें तो मोदी साहब बोलते चले गए। फिर मुझे गुजरात से कौन कौन है यहाँ पे, पंजाब से, मैंने एक गल दसो, जो सारे पंजाबी इतने ने उधर बादलों वोट कि नहीं पाते, सारा पंजाब दिखता। खैर, मैं पिछले महीने भी यहाँ पे आया था वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे पे, बड़ा प्यार मिला लोगों का, 20-30 गोरे बैठे हुए थे, मजा आ गया। एक्चुअली ये फंक्शन पहले कोई तो ब्रैट क्लब ब्राट कौन सा ब्रिज है वहाँ पे होने वाला था, हमारे प्रमोटर साहब की टेंशन होगी पहले आ गया कहीं शो ना करके निकल जाए, है नहीं। मैंने उनका यही कहा, मैंने कहा सर चलो अच्छा ही होता है, मैं भी घूम फिर गया बैंकूवर थोड़ी देर आके, 8-10 दिन यहाँ पे रह के गया। फिर मैंने कहा चलो अभी दोबारा आएंगे पूरी फैमिली के साथ, और अपने वादे के मुताबिक हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। मोदी साहब योगा को प्रमोट कर रहे, इसलिए मैं भी यहाँ पे आया था। अच्छी चीज़ है योगा, लोगों को कराते हैं, आँखें बंद करके बोलते सांस खींचो, लोग आँखें बंद करके सांस खींचते हैं, उतनी देर में दूसरे मुल्क का दौरा करके आ जाते हैं। अच्छी बात है, पड़ोसी मुल्क में संबंध अच्छी होनी चाहिए। यहाँ कैनेडा में आके खुशी बड़ी होती है, एक तो सबसे पहले निकलते ना जब एयरपोर्ट पर दिख रहे पंजाबी जी आए, समझ में नहीं आता कि हम लोग कैनेडा आए हैं कि ये लोग बठिंडा घूमने आए हैं। इन सब मुल्कों में सिक्योरिटी है तभी हम लोग सब सेफ भी फील करते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं तो ये लोग इतने इंफ्लुएंट है, मतलब ये लोग सवाल कैसे कैसे पूछते हैं, आए हुए इट ऑन फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, अच्छा ये चौथा सेंटेंस बोल देते हैं मैं पहले बैठता होता हूँ, मैं उसका जवाब सोच रहा हूँ उनका पांचवा छड़ा निकल जाता है, और आर तो ये साइलेंट कर देते हैं बिल्कुल भी, आर तो वे इट फ्रॉम, मतलब आर इनका आता है कि हमने अंग्रेजी सीखी मर मर के, मजा आ रहा है एक भी वर्ड साइलेंट हो जाए, पूरा ए टू जेड बोलने की, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम फ्रॉम कपूरथला, एक जगह दो आर लग जाएंगे लेकिन मजा ना आर साइलेंट हो जाएगा, ये सही बात है। हमारी तो वैसे भी इंग्लिश में जानी है, लीवर में बस गई है, अंदर दो कह जाते हैं तो लीवर सीख के सुन के बाहर आते हैं। हमारे लोग शौकीन भी होते हैं खाना पीना, पंजाब वालों का शौक है, क्योंकि मैं अमृतसर शहर से बिलोंग करता हूँ, होली सिटी गुरुओं की धरती है, शायद मुझे लगता है शायद ये उसी मिट्टी का कमाल है, उस धरती से बहुत सारे कलाकार निकले, रफ़ी साहब के ज़माने से लेके मतलब कितने गिनाओं मेरे ख्याल से पूरी रात हम पड़ जाएगी उस धरती में, इतने अच्छे आ गए हमारे लोग। जब साल लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंजॉय के लिए पीते हैं पूरा, क्योंकि हमारी कौम ही ऐसी है, पंगे लेने वाली इनिशिएटिव कौम, प्यारी कौम, लेकिन हिसाब किताब में पूरे हैं। मेरे ये सारे बंदे ना हैं तो मुंबई के ही कबूतर गिटार वाला, पर मैंने देखा है आप जब ट्रेवल करते हैं बहुत सारी कंट्रीज के लोग मिलते हैं आपको, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कंट्रीज के, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मैंने देखा बुरे लोग जो बैठते हैं, ये लोग या ब्रिटिश लोग बैठते हैं, दो ड्रिंक मारते ना छोटे छोटे लाइट से तो लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, नेट पर पता नहीं कितने प्योर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ तो करते हैं। जैपनीज लोग बैठते हैं, ड्रिंक लेते हैं, बुक खोल लेते हैं, हमारे लोग इतनी पी लेते हैं, बुक और लैपटॉप छोड़ो अपनी जिम्मे नहीं खुलती बात करना चाहते हैं, इंजॉय करते हैं, इंजॉय पसंद आते हैं। शराब पीना भी कला होती है हमारे भी। अच्छा गोरे लोग जब पीते हैं, ये लोग हम लोग बहुत साथी ढूंढते हैं बाहर जीने के लिए, गोरे लोग जो है ये अपनी बीवी के साथ पी रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसका चक्कर उसके साथ, तो ये नहीं होता, ये अपनी बीवी के साथ इंजॉय करते हैं, हल्की हल्की
वाइन ली, उन्होंने ग्लास जी ऐसे इतना इतना गंदे ड्रिंक किया, उसके बाद अपना जो भी इनकम करना क्या बोल रहा है, जितना मियाँ पीता उतनी बीवी, पर मियाँ भी ज्यादा नहीं पीता, दो तीन पीता। हमारी औरतें जो है, हमारी स्पेशली पंजाब वाली, ये पतियों के पैक गिनती है, बस हर दो होते गए। और साडे पंजाबी भी ऐसे हैं, ये दो तो पहले से पी के आते, जो बीवी को पता नहीं होता। तो चल बार मैं तैयार हो गया, अंदर बाथरूम से दो मार होते हैं, लाची जी खा गए थे, चलो उसके बाद दो और लगाते जाके, फिर बीवियाँ गिनती दो, तो गए बस करो ना, दो मसफरा की बस उल्टियाँ मार दूंगे तुझे। आदमी को गुस्सा चढ़ता है, ये क्यों नहीं पैकिंग दे रहे हैं, जो प्योरी पीने में प्यार रहे हैं, शर्म पर 500 रुपये माइन हो तो पास कर दिए, तो जनानी भी चढ़ जाती सर, प्रॉमिस किया ही ना तुझे दो तो बार नहीं पियोगे आप, तो प्रॉमिस तो ये भी हुआ था कि बच्चे भी दो होंगे, चार हो ही नहीं, हमारी लड़ाइया हो जाती है मियां बीवी के बाद, बुरे लोग किस करते हैं, ये नहीं कि हमारे मन नहीं करते, हमारे अपनी वाली छोड़ के दूसरी की तरफ क्यों जाते हैं, शराब नहीं चढ़ी तू चढ़ दे, हम ठीक है अपना एंजॉय करने का तरीका, ये कौन है सीखते हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है, जितनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे मुल्क में, जितने सारे धर्म हैं, उसके बावजूद ये देश की यूनिटी देखें अगर आप, ये पूरे वर्ल्ड में आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी, लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं अपने मुल्क में, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे कंट्री में आप देख लो, जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाओ कन्याकुमारी तक, कितनी सारी लैंग्वेजेस बदल जाती हैं, इवन पंजाब में भी आप पंजाबी लैंग्वेज बदल जाती है, इतनी सारी करना है, लेकिन जितना प्यार हमारे हम लोग भी कर सकते हैं मुल्क में ये चीजें, लेकिन अपनी नीति ऐसी हुई है कोई सीरियस नहीं लेता, कि सबको लगता है कि गलत मतलब से बोलना है, इसलिए हम लोग अपने किसी औरत को बोलते हैं आ जाओ हेलो हाउ आर यू, नहीं होता सबको पता होता है, लेकिन क्या होता है कि जब किसी ने महंगा सूट बनवाया था वो जान के वेट करता है कि सब भर गया, फिर जान बूझ के निकलते हैं, सीट कितनी रहेगी नहीं हमारे देश में क्या कल्चर है, बच्चा जब तक मूंछ नहीं निकल आती माँ बाप के बीच में घुस के सोता है, और ये हमारा टैलेंट है डेर लोगों का, इसके बावजूद भी उस बच्चे के भाई बहन पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों की एग्जांपल ले लो, हम दूध में यूज करते हैं, एक महीना तक यूज करते हैं या जितने भी फैमिली मेंबर उसके हिसाब से 10-15 दिन तक निकलती है, उसके बाद हम दूध में से नहीं निकालते, उसकी जान निकालते हैं, इतना बड़ा अंगूठा देखना उसके ऐसे पीछे पेस्ट कहते हैं कि अगले जन्म कुछ भी बना देना पेस्ट मत बनाना, मुझे इंडिया में पूरा मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं, ये नहीं सिर्फ टूथपेस्ट जो ब्रश होता है हमारा, यहाँ पे तो मैंने देखा एक महीने बाद चीन पड़ा डॉक्टर ब्रश चीन में क्यों ब्रश दांत पावे काले हो ब्रश ना होता 8.5 साल ये ब्रश का तो लिया मैंने भूल लाया से ब्रश भी तब का यूज कर रहे हैं, बच्चा बड़ा होकर ब्रश हुई है, एक टाइम पे जाके ब्रश के दांत ब्रश भी ऐसे हो गया चल रहा है, उसने सरेंडर कर दिया कि हूँ यूज कर लो काम भी ठीक है, नहीं तो रब का ना ये चढ़ दो नहीं छोड़ते, साफ सफाई इतनी है कि खींच आ जाती कभी कभी, मैं जैसे हॉस्पिटल बता कर गया तो मैंने इतनी सफाई देखी ना मुझे लगे मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, आदत नहीं है हमारे वहाँ, देखो अभी तो हमारे भी टच में एक बात मैं जरूर कहनी चाहूँगा, हंसी मजाक चाहे जितना मर्जी बनाए, लेकिन आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ जहाँ की भी मेडिकल सर्विसेज जो हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि यहाँ की मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आप देख लेना डॉक्टर सारे तकरीबन इंडियन होते हैं वहाँ पे, ये बड़ी फख्र की बात है, ये अच्छी बात है,
पर सरकारी हस्पताल जो है ना, क्योंकि इंडिविजुअली मैं कहता हूँ, मैं सफाई बेड लाता हूँ तो मजा आ जाता देख के, इधर लगता है आगे उधर नहीं, तो आपकी अपनी जमीन हटों की कॉम्प्लीमेंट होगी। हाँ जी अपनी वही गल्ला मिला तू ना ला ली पेंट है ये बाहर बैठे अच्छा पा के आया करो। कई बार हो भी जाता बंदे का पीछे बैठा वो पीछे पाल करो की हर करता पंगे। हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी पास नहीं है, लेकिन पुलिस हमारी भी किसी तरीके से कम नहीं है। यहाँ पे क्या कोई क्राइम करता है, बुलाते हैं स्केच वाले को, स्केच वाला बुलाता है, वो कंप्यूटर पे 15 मिनट का स्केच तैयार हुआ, मुझे उनको ढूंढते दो तीन घंटे पकड़ लेते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी शायद ये सारी नहीं हो, लेकिन हमारे वैसे कॉन्फिडेंस रहता है पुलिस वाले का, पूछते हैं जिससे जेब कटी है, इधर आओ कितने हो इंजरी, जलंधर स्टेशन से पेंट की जेब कटी थी कि शर्ट की, ये शर्ट की कितने कटी है जलंधर स्टेशन से, चार लगा लगा बल्लू फट के लो दर्शन कर लो। वो अपने तरीके से काम करते हैं, शॉपिंग करा दो मेरे को गलाब में काफी सारा स्पेशली मिलन आते हैं, बड़ा फकर साढ़े तो इंस्पैक्टर भी हो गए मान नहीं होता भी। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मैं द वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रीमियर ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया क्रिस्टी क्लार्क। प्रीमियर, वी वेलकम यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। इट्स नाइस टू बी हियर कपिल। थैंक यू कपिल टू सी ग्रेट home. Are you in love with me? Why are we matching the same colors? Well, I think I'm a little old for you, don't you think? Dil honna chahiye jawan par ajgi rakhya hai. I said, your heart should be jawan. What is there in ages? I don't feel like. I agree, Kapil. I want to say something about our premium. She's so humble, she's so nice. मैं जो तो पिछली बार इंजर मैं जब आया यहाँ पे उन्होंने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया, पूरा अपना ऑफिस घुमाया दिखाया, साढ़े उत्तर काउंसलर नहीं मान इंस्पेक्टर भी सामने पूछते यार इतनी इतनी इज्जत मिलनी सामने बचे नहीं देगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर योर लव टुवर्ड्स इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच। एंड एंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग मैम, हैव यू सीन सम बॉलीवुड मूवीज? ऑफ कोर्स आई हैव। Okay, so you remember any dialogue from Bollywood movie? Not in Hindi. There's one my favorite hero. Her name is Deepika Padukone. मैं भी ठीक है, वो भी किसी होटल लगी, मैं भी हटना नहीं है। मैंने उसको बोला था, मैं तो मैंने दो मिनट ना कितने आइसक्रीम खान जाना, तो मैं तुम कुछ नहीं करना, एक सेल्फी लेनी अपने घर में, अपने घर करना मैं जरूर रहता है एक बार। सिर्फ इस करके मैं सिर्फ मैं अंबरसर जाके ना मैं काम किया था, खुशी होती है। अच्छा सो ओके सो शी इज माय फेवरेट एक्चुअली। सो आई वांट यू टू से हर डायलॉग, हर वन डायलॉग इज वेरी पॉपुलर फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम, आई थिंक सो, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो कपिल बाबू, एक चुटकी एक चुटकी लाइक वन पिंच ऑफ सिंदूर, यू नो सिंदूर इज अ रेड सॉल्ट, कैसा की होता है इन्हें जो होता है ना गोरा जो पाउंदे नहीं सिंदूर खाने इन्हें टाइम नहीं वेस्ट करते सिद्धा व्याह गोरा शुरू हो जाए वन एक चुटकी सिंदूर red color, actually red, traditional red color which women used to fill their clothing. Okay, let me explain her. Ek chutki sindoor. Ek chutki sindoor. Good, very good. Taliya. Tum kya jano? Tum kan jano? Kapil Babu. Kapil Babu. Man kano? Bahut pyar. Actually, I'm so sorry.
It's all because of the weather of Vancouver. I've become little naughty. Naughty. Little bit more than naughty. But you know, Rime, you're very beautiful, and it's really honor for us. And you're looking very beautiful in your Indian dress. Thank you. It was made in Surrey. Surrey. Is anyone here from Surrey? सरी वालों को इतना अपनाते हैं सर्दी सर्दी में तो नहीं सरी अच्छा ये who made this for you? Oh, a woman in Surrey named Devi made it for me. Devi. 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 Devi is here. Is Devi here? Is she? सारे देवते ही. The last time I wore this dress was when the Toyfa Awards were going on. Yes. Some of your guests tonight went to the Toyfa Awards when they were here. Did you? You are living in Canada, or sometimes you think that you are living in Punjab. Because so many Punjabis are here, so many Indians are here. We also have a Canada in India. That's called Punjab. Same amount of Punjabis are living there also. Okay, jokes apart, but we really appreciate your gesture of love. And thank you so much for sharing your precious time with us. Do you want to say something to your fans? Because I have noticed one thing. That people from Punjab and people from India just love you. आप तालियां बजा के इस बात का सबूत दे सकते हैं. We know, everyone here knows, and I certainly know, that the relationship we have with India is the most important relationship we have in the world today. And the thing that we share in common, and the Punjabis make so evident here, is that Indians are all about heart. They're all about passion and friendship and relationship. And that is why we love India. So thank you for this. God bless this country and God bless this beautiful world now. And thank you so much for sharing your time with us. Can okay. I ask you a favor? Yeah. I'd like to take a selfie. Where is my camera? Okay, I will take a selfie. Where's my camera? मेरे पसीना नहीं आया उदा मेरे अंदर नहीं आया मैं वेख के हो जाता कुछ अच्छा ये चलती होंगी ओके फर्स्ट आई विल टेक फ्रॉम माय कैमरा क्योंकि उसके बाद तुहाडे क्राउन जिहड़े सी तुसीं निकल जाणा मैं तो चल बना दूंगा मैं अपनी मम्मी नूं दिखाणा लाइक वन मोर सो यू स्टार नाउ फ्रॉम योर कैमरा Oh, we have safe form. Thank you so much. Thank you, Phil. Welcome to Vancouver. We are honored. I just want you to sit for some time and watch our show. I know you will not understand our language, but you can feel our feelings. I just love you. प्यार है उनको होता है कि हम इंडियन फंक्शन में जा रहे हैं इंडियन ड्रेस पहन के जाइए वो हमारे वहाँ पर भी प्यार करते हैं कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं पर ये होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं इतना टाइम निकाल नहीं पाते कि अफकोर्स वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ये हो पर ये कितना बन ठक के आते हैं हमारे टिटगढ़ के आने दें कितना फंक्शन है कमेटी का प्रोग्राम नया प्रोग्राम से जाना है थोड़ा प्यार कर दें लोग एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए इनके लिए जोरदार मैं इनके आने से पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि कितने लोग हम्बल हैं कितने हमारा अलग कल्चर है मैं ये नहीं करता कोई बुरी अच्छी बात नहीं इसमें वैसे बात शेयर कर रहा हूँ हम लोग बुलाए नहीं सकते करता हूँ कंदी लाल मोगल कंदी लाल हम मौका ऐसा मारेगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कई जगह ऐसे अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे औरतें जो हैं वो अपने पतियों के नाम नहीं लेती ए जी ओ जी करके कम सारी जाती हैं और यकीन मानो आप ये ए जी ओ जी बोलने वाली जो होती है ना ये जब मौका मिलता 4G की स्पीड से तेज बच्चे पैदा करती हैं बड़ी देर पहले का हमारे इंडिया में बहुत देर बाद आया लेकिन शुक्र है कि माहौल बदल गया नहीं तो पहले तो जमाना ही कुछ और था तब लव मैरिजेस होती नहीं थी तब ये सब ही होता था लड़का लड़की जाते थे एक्चुअली देखने एक दूसरे को लड़की के माँ बाप जाते थे लड़की के माँ बाप जाते थे देखा है लड़का आया उसने घूंघट उठाया अच्छी निकली ठीक है तो पैसे गए आपके खराब लाइक इट्स लाइक हिटलर ही इज बोर्न डिक्टेटर
उसके नाम में डिक्टेटरशिप है, जी जा मेरे जो जी जा वो करूँ, तू जा जो करना करना। जीजा की अलग डिक्टेटरशिप होती है, जो फुफड़ होता है फूफा गोवा का दरबार, उसको अलग से होता है कि ये जो जीजा है ये तो दूल्हे का जीजा, मैं तो दूल्हे से प्योदा जीजा, वो सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप लोग भी किसी ना किसी के जीजा होंगे, आपके भी कोई ना कोई जीजा होंगे, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी का साला तो है ही, चाहे कज़न सिस्टर हो चाहिए हो, जीजा वर्ड मतलब रिस्पेक्ट बहुत देनी पड़ती है उनको। जब आते हैं स्पेशली सालियों की ड्यूटी लगाई भगवान ने, जीजा आता ना कोई तो साली भी नाराज़ होते हैं, ये जीजा जी तुम आए नहीं है, ऐसी गल थोड़ी की है, तीन महीने बाद आए हो तुम, मैं नहीं बोलती तुम जाओगे क्या कट्टी आपसे, हमने कहा था आप हर हफ्ते आया करोगे, यहीं तो रहते दो माइल से इतना थोड़ी दूर, जीजा इसी में खुश हो जाता है, मोटा लेटे टेटे टेटे वैसे खुश होता है बस। बिजनेस जी ऐसा टाइम नहीं लगता है, बिजनेस कोई नहीं आठ के चक्की चलाने होता है। हमारी माता ही बैठी बैठी थी ना, मैं कहता इनसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर कोई नहीं, कोई भी गाना पकड़ लो इनकी अपनी कंपोजिशन, उसी टाइम ये लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है अपनी अपनी जगह पे गाना चल रहा है ना, मत्थे ते चमकन लाल मेरे बनड़े दे, तू कनाडा से पोती ट्रेन ओ रेमा प्लीज सी बॉलीवुड सॉन्ग ओ टंग 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 बीच में लोग तंग करते दूसरा गाना बजा रहे हैं, अच्छा शराबी पी उधर को समझ नहीं आता कौन से गाने का नाच है, गाना कोई बजे उनका सेम ही नाच है, तो फिर बैंड वाले अपने फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं, काफी कुछ मैंने थिंक्स टू यू बट यू नो आई एम जस्ट अनेबल टू मेक सम सेंटेंसेस, माय इंग्लिश इज इन ऑलमोस्ट लास्ट थर्ड स्टेज, नहीं समझ लगा नहीं मुझे, बट वी आर ऐसे जा सकते हैं, ओके कैन आई स्टे माइक प्लीज, हाउ आर यू, थैंक यू, शुक्रिया, हां जी एंटर दिया हमारे, जैसे आप लोग बड़ी खूबसूरत कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो हैं काफी हैं, जैसे आपको बच्चों की टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, स्कूलिंग फ्री है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पहले अपनी टेंशन लो, अपने आप को सेटल करो, उसके बाद बच्चों की टेंशन, उनके स्कूल की टेंशन, फिर अपने बुढ़ापे की टेंशन, अपने लिए पैसे जोड़ो, हम लोग कभी कभी जिंदगी जी नहीं रहे होते, हार्ट अटैक की वेट कर रहे होते हैं, ये स्कूलिंग बच्चों ने कर लेनी है, इसलिए बच्चों की परवाह नहीं करते, साल में एक हो रहा है बचाए दो भी हो जाते हैं कभी कभी, बुढ़ापे बैठ को पता मेडिकल फ्री है, फैसिलिटीज तो हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे रहते हुए इंडिया का पंजाब का कौन सी चीज़ आप मिस करते हैं, मैं कोई मेरा दोस्त शेयर करना चाहिए तो आप कौन सी चीज़ मिस करते हैं, जी भाई आप उनको माइक दे सकते हैं, मैं इधर ठीक है इधर उनको दे दीजिए सर, मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का, तो सब लोग वहां पर भी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सारे वहां, मैंने तो लगा स्टेडियम इतने खत्म होने उतने तक नहीं जाए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सर जी की क्या नाम है सर आपका, माइक नहीं चल रहा सर उनका, हेलो हेलो सर, तो आप बाजी कहाँ से वैसे, यार दोस्त वो बोले आप कौन ज्यादा मिस कर रहे हो, बाहर चला गया, अच्छा उसके अलावा और क्या मिस करते हैं आप,
ਉਹੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਗੱਲ ਭਾਫ ਰਹਾ ਕਿ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ चलो अच्छी गल भाजी पर बहुत अच्छी जगह रह रहे हो कोई गल नहीं बड़ी ताली हजार भाजी और मेरे दोस्त को शेयर करना चाहते हैं हाँ जी लाल फ्रोड ठंडी खुई मिस करते अच्छा यू फ्रोड ओके ओके वेलकम सर अच्छा और मेरे दोस्त का इस तरफ आप मैं क्या हाल है जी शुक्रिया आप कोई मैं सर जी दिल्ली का रहने वाला दिल्ली के रहने वाले अच्छा अच्छा सारी स्टेट्स आई हुई है दिल्ली दिल्ली भी आए हैं अच्छा दिल्ली का क्या मिस करते हैं आप सर जी दिल्ली के छोले भटूरे बहुत मिस करते छोले भटूरे यहाँ भी नहीं मिलते नहीं सर और दिल्ली लोग खाते सर मैंने तो सारे चीज़ें देखी है साग वाग सब चीज़ें तो मिलती हैं कौन से इतने भटूरे घट खोल दे नहीं सर वो है जेड़ा फ्लाफ है दिल्ली का भटूरे का ओके क्या अंबरसर के कुलचे छोले जी 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 वो अच्छे नहीं मिलते पर चलो पैसा तो अच्छा कमा रहे ना उतने रहते तो कुलचे छोले खाने ही बस अच्छा तो क्या पूरा करते हो सप्ताह तो कितने साल तक जाते हो जी कितने साल बाद जाते हैं आप सर डेढ़ से दो साल तक डेढ़ दो साल तक कितने भटूरे खा के आते हैं सर जी जिन्हें हो सके पूरे सवेर का खाना बंद कर देने अंबरसर उतरने तो बाद सर खा पी के हरिमंदर साहब के दर्शन करके फिर दिल्ली ओके पर चलो ये भी वधिया तुम डेढ़ साल से जाते हो भटूरे खा के आते हो ता इदा दे तुम रोज उत्थे रहंदे होंदे तुसीं ते आप भटूरे बन जाणे Thank you.
हेलो हेलो माइक कैसी और भास्कर मामा बाथरूम के बाहर आपकी फोटो लगी है नीचे लिखा है जेंट्स आप वही है ना अंडरवियर नहीं पहनते नहीं आप गलत ना समझिए सुबह शॉपिंग कर रहे थे सारे कपड़े थे जिन्होंने अंडरवियर नहीं खरीदा बस इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि कल मैंने पेट्रोल किया था और फिर मैंने जो एवरेज दिया मैं आपको बता नहीं सकती प्रॉब्लम आज सुबह हुई है टिश्यू पेपर बल्ब कम करके जल गया मेरे सामने आवाज़ आ रही है मेरी हेलो आवाज आ रही है जोर से बोलो तो सेंसर का यहाँ जगराता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जय माता दी बोल रहे आप हेलो हेलो हाय माइक नहीं चल रहा था यू आर वेरी ब्यूटीफुल मैडम अपना ब्यूटीफुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं कभी हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है मेरे अंदर वो बच्चा जेंट सीखना बिल्कुल नहीं कर सकती बट या आई एम वेरी गुड आई कैन यूज बोथ द वॉशरूम जेंट्स एंड लेडीज बोथ We are honored. Now I've learned this speech which I will tell you. Everybody, we are honored that Honorable Premier Kristy Clark is here with us. We welcome her. Thank you for giving us all the love that we deserve. Thank you. Kristy, if you don't mind, can you come to stage with me? I'd be happy to, I think. I will want to sing a song for you. Okay. Come, Kristy. That is my sister. I will introduce. No problem. Where is the veil? Now, here is the veil. Here is the veil. Kristy? Come. Come here. पलक गुद्धी कपिल ऑडियंस वैंकूवर कैमरा जीबी माइक्रोफोन ये खराब है ये चल रहा है सोफा गुद्धी आप आई है इस बगिया आप आई है इस बगिया ऐसा कहीं प्रॉब्लम होती है शो पंजाबी तो बंदे गोरे बनाए बीचे मैंने की चलाता वेट मैम व्हाई डेस्परेशन या वो के गुथी लिसन वन थिंग Premier sir, so you have to say something in English, okay? For welcome, for mom welcome. I only want the toilet. Seriously, okay?
उत्थी का ये पेट सॉन्ग होता है, हर किसी को वेलकम करती है. शी वेलकम विद हिज ओन विद हर ओन. आई एम लिटिल कंफ्यूज बिकॉज़ ही मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. There's so many jugaad inside and outside. I don't know why you have to sing your welcome song in English for premiere. Okay, I'm like Spider-Man. Are you here to find a husband?
one Punjabi would I will find. Well, happy birthday. And citizenship from Shradu. कहते हैं हमको प्यास में इंतजार करें।
वैसे तो मैं बताऊंगी, मैं पहली बार वैंकूवर नहीं आई हूँ, मैं पहले भी आई हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेशन की जॉब थी, हिंदी टू इंग्लिश शेयर ट्रांसलेट करते थे, तो उसके लिए मैं आई थी, तो वो नौकरी मुझे नहीं मिली, लेकिन उन्होंने शेयर ट्रांसलेट करवा के मेरा ना वाइवा लिया था, कहते कि ये बताओ कि शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी थे हम भी काम के, उसको ट्रांसलेट करो। मैंने कहा इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, लव मेड मी अनएम्प्लॉयड, लव मेड मी अनएम्प्लॉयड अदरवाइज आई वाज अ मेंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी। कहते बात नहीं बनी, मेरे है कोई कोई है लड़का, एक तो यहाँ सबने चेक शर्ट क्यों पहनी हुई है, मतलब समझ नहीं आ रही सबकी शर्टों पे लाइनें लाइनें क्यों है। वो दीदी वो आपका चश्मा है, उन्होंने चेक शर्ट नहीं पहनी है। ओ हाँ यार, मेरे को लगा था सारे ड्रेस में आए हुए हैं। ओके कोई लड़का है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू मैरी सम अंग्रेज यार, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और नहीं तो कुछ। हेलो कोई है यहाँ पे, हैं? मैं आगे देखती हूँ कि लड़का यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल। दीदी वहाँ कोई आवाज दे रहा है, हैं? वहाँ कोई आवाज दे रहा है, लड़का जैसा आपने शादी हो गई क्या? किसने की आपसे शादी, मेरे को तो शक ही हो रहा है। आपकी शादी हो गई? Okay. तो कोई लड़का आपकी नजर में हो, आपकी हस्बैंड, आप तो लेने दें, आपके तो पापा की अभी शादी हुई है, बेटा बैठ जाओ। हाँ एक लड़का है जिससे मैं शादी कर सकती हूँ, वो वहाँ है अभी। मैं एक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दोनों हमारे बेहतरीन कलाकार बुद्धि और पलक, इनके लिए दूर तक तालियां हो जाए। और ये मैं बता दूँ कि ये जो है मेरी पड़ोसी हैं, ये दोनों कजन सिस्टर्स हैं और ये बड़ी अच्छी प्यार से रहती हैं। एक्चुअली गुत्थी की जो मम्मी है वही पलक के पापा है। तुम्हें मजाक बनाना इतने सारा आता है, कभी अपने घर पे खाना भी बना लिया करो, हमारे घर से खाना मांग मांग के खाते रहती है। कौन तो तेरी बहन की तरह नहीं, अपनी माँ के घर की बुआ के घर तौलिया खा लिया उसका। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तौलिया खाली, तो क्या हुआ तौलिया बेकार पड़ा था, कोई बेकार चीज को यूज करने में कोई बुरी बात नहीं होती है। पहले तेरी मम्मी भी कई दिनों से बेकार पड़ी हुई है ना। मेरी मम्मी बेकार नहीं बीमार है, तो भी बेकार ही हुई। तो जिसने सात जन्म के प्रोडक्शन एक ही जन्म में कर दी तो किसी काम की रहेंगे? लोगों को बच्चों की डिलीवरी एक दिन में होती है, इसकी 28 दिन चली। बिट्टू शर्मा आप कुछ नया क्यों नहीं करते, क्या अपनी बेसिक भी तो हम इंडिया में भी करवा लेते हैं, यहाँ पर भी नया बिजनेस खोलने आए। तो क्या बिजनेस करेगी, पहले एक बार किसी शादी में किसी को मेहंदी लगाने गई, मेहंदी खुद खा गई, उसके हाथ में पालक पनीर लगा के आ गई। तो मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज हो गई थी, दोनों का टेस्ट एकदम सेम था। वैसे गुत्थी मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ बिजनेस का, बड़ा अच्छा कैमरा है, भगवान की इतनी कृपा है तेरे ऊपर, देख तेरा फेस बिल्कुल अरबियों के ऊंट जैसा तेरा मुंह है, तू लोगों को बच्चों को कंधे बिठा के यहाँ पे घुमा, तुझे पैसे मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ऊंट को घुमाने के लिए हम इतनी सारी रेत कहाँ से लाएंगे? मुझे पता था ऊंट को काम मिलेगा तो भैंस को प्रॉब्लम होगी। कभी हमारे पास बिजनेस की आइडिया की कमी नहीं होगी, हम यहाँ पे कनाडा में आए हैं और यहाँ पे हम लोग एंटीक चीजों का सामान बेचेंगे, बहुत सामान है हमारे पास, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। बहुत सामान देगा मेहरबान कदरदान साहिबान, ये देखिए ये है हमारे दादाजी का एंटीक मक्का, बेशकीमती मक्का है दोस्तों। ये क्या बेशकीमती, हैंडल तो है नहीं सर। हाँ तो हमारे दादाजी के भी कहाँ हाथ थे, ये तो हैंड्स फ्री अब चल रहा है, हमारे दादाजी तो उस वक्त हैंड्स फ्री थे। एक रुपया नहीं दे रहा यहाँ पे। हाँ तो ऐसी बात नहीं, हमारे पास और भी चीजें हैं, ये दिखाइए। देखिए दोस्तों ये है कच्छा, सेलिब्रिटी कच्छा, ये कोई ऐसा वैसा कच्छा नहीं है, ये है सिद्धू जी का कच्छा। ये देखिए इसके पीछे ठोको ताली भी छपा हुआ है, अलग साइज से तो मुझे तेरा लग रहा है। आपको शर्म नहीं आती खूबसूरत लड़की के अंडर गारमेंट डिस्कस कर रहे हैं आप यहाँ पर? एक मिनट, हम यहाँ पे जादू करनी भी बन सकती है, जादू भी खा सकती है हम लोग। क्या देखो पलंग पर पकड़,
पकड़ जादू मैजिक शो दिखाएंगे हम लोग ये देखिए देखा दोस्तों आपने ये देखा देखा नहीं नहीं कुछ नहीं देखा वाओ अरे पलक क्या हुआ दादाजी मिल गए दादाजी मिल गए लेकिन दादाजी दीदी इतने चुप क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं मैं वो ये बिना वीजा के आए ना यहाँ इसलिए खुश है ओह लेकिन सिर्फ दादाजी की मुंडी यहाँ पर है पूरा का पूरा शरीर तो लगता है इंडिया में ही रह गया अच्छा ना पानी इधर पी के बात हम उधर करेंगे शर्म आनी चाहिए तुम्हें हमारे दादाजी के बारे में ऐसे बात करते हुए कभी तुम तो इनसे माफी मांगी होगी अभी कभी माफी मांगो हमारे दादाजी से अच्छा सॉरी दादाजी हम आपसे माफी चाहते हैं चलो थोड़ा और जगह बदली तेरा मुंह देखो ना चलाक आदमी है लोग
आपको पता है इसकी बड़ी बहन जो है जिंदे रहो खुश रहो मौजा करो तुम कैसी हो दिख रहे सेक्सी है सबको दिख रहा खुश तू बता तू कैसी है आप चाहो तो प्यार से मुझे साइड पे ले जाओ जाए शर्मा जी मानजू तुम्हारे पति बड़े मजाकिया हैं तदे ने साडा शोर लगाया साडी मासी रिंदी नहीं थे और इथे वैसे आपके नाम काफी मिलते हैं मंजू मंजरी मैं तो कहता हूँ शेयर करके पति भी एक ही ऑलमोस्ट तरीके से वैसे बताया मंजू ने आप क्या करके करती क्या मैंने अभी अब्बास मस्तान की फिल्म की है किस किस को प्यार करूं 25 सितंबर को रिलीज हो रही है अच्छा हां ये भाई है ना जिसमें बहुत ही ज्यादा बदतमीज टाइप का लड़का है कहां उसकी बीवी इतने बड़ा तंग किया हुआ है इसलिए बदतमीज बंदा बड़ा अच्छा है इज अ वेरी डाउन टू अर्थ 25 सितंबर किस किस को प्यार करूं अब्बास मस्तान ये अपनी है जी ये देखिए इसी बहाने से ना अपनी फिल्म को प्रमोट करते तो मैं भी करूं लोग सारे शोज कर देंगे मैं कितने बना जा रहा हूं चलिए आप करते रहिए मंजरी तुम इनके साथ बातें करो ज्यादा परेशान मत करना मैं भी आई जल्दी आना यस कोशिश करो ना ही आई वैसे आपने मुझे तो सब कुछ पूछ लिया जी आप करते क्या मैं बस ट्राई करता हूँ बात बन जाए तो ठीक नहीं तो मैं और ट्राई कर लेता हूँ कोशिश मेरी जारी रहती है आइए बीच में आइए मतलब मंजू ठीक कहती है आप कोई काम नहीं करते ना हर देखिए हर आदमी जो होता है ना अपनी स्ट्रेटजी होती है हर काम पत्नी को बता के नहीं किया जाता जैसे यहाँ पे शो पे तो सब आए पत्नियों के साथ तो बता के आते हैं घर वालों को यहाँ पे जा रहे हैं लेकिन यही लोग जब स्ट्रिप क्लब जाते हैं तो बता के थोड़े जाते हैं जब तक क्या बोल के आते हैं घर से तो अपना अपना होता है मान लो जैसे बातों बातों में हमें एक दूसरे को प्यार हो गया मान लो हो जाता है तो मैं अपनी मोटी थोड़ी दसना भी प्यार हो गया बताऊंगा थोड़ी आप तो मेरे जीजू है ना जीजे साढ़े चुंदे नहीं क्यों ये मारे का नाम ले आप तो जीजा नहीं बनना किया था लोटना किया था मैं एक बार बताइए आप यूएस में रहती हैं ना ओके तो यहाँ पे मायमी बीच जो है उधर लड़कियाँ घूमती दिख जाती हैं वहाँ पे अच्छा आपको किस उम्र वाले लड़कियाँ दिखती हैं शो में देखा मैंने बेवॉच आता ना ओह तो आप शो में सिर्फ लड़कियाँ देखते हैं आपने तानसेन का नाम सुना जैसे तानसेन गा के दिया जला देते थे ना सेम माय ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर वैसे वो गा के दिया बुझा देते थे वो कैसे उन्होंने दांत ऊंचे से गए सुन लगा था वो साथ में थोड़ा सा लिक्विड निकलता था बाकी करीब गायब हो जाते जस्ट काइंड ऑफ वी आर वेरी ट्रेडिशनल चलो ऐसे फालतू की बातें तो बहुत होती है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर के बारे में आपका क्या कहना है मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है रिश्तेदारी में बदल दे शर्मा जी पता नहीं टॉवर में आता ना करना चाहता मैं कुड़ी से फ्लर्ट कर रहा था ना उसी टाइम आ जाती है शर्मा जी हां जी ज्यादा परेशान तो नहीं किया मंजू को मैं तो बिल्कुल ऐसे बस टाइम पास कर रहा था मैंने आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे आपके साथ तो सीरियस था उसके साथ टाइम पास कर रहा हूं एक्सक्यूज मी मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो तो होल से लियर का मुंह लगा के बॉडी बनी तो एक्सक्यूज मी आपको अपनी वाइफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए है ना इसने जो मेरे साथ किया वो क्या किया मेरे साथ
तूने मंजरी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? अगर तेरी सहेली है तो हो सकता है जयमाला गलती से उसके गले में डल जाती, मेरे को मजा ही आ जाता। दुनिया भर की बेकार बातें करो, चलो रे हम बाहर जाकर बात करते हैं। और डरना नहीं। शर्मा जी। हाँ जी। आपकी बीवी आपके सामने खड़ी है और आप अपनी बीवी के फ्रेंड के साथ बाहर जाने का प्लान बना रहे, बेशर्म की हद होती है। तो बाहर जाने का प्लान कर रहा हूँ, तेरे को तब प्रॉब्लम होनी चाहिए जब मैं इसको घर लाने की बात करूँ। तो हैव सम हॉट कॉफी एंड उसके बाद देखें मैं जो रावण में जो। ये सब बातें छोड़ के ना गोवा की शादी की प्लानिंग करी जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई हनीमून लाइफ में सेवा होता है। 5 साल से रहे तो रहा हूँ वहाँ पे मैं। देखिए शर्मा जी बहुत हो गया, लेकिन भी टूट को एक बार हाँ रिमाइंडर नहीं देती। ध्यान से गिरना जाना, तू तो गिर जाता है। एक्चुअली ये मेरी फिल्म थी हीरोइन, ठीक होती सर इतनी देर हो रही है। कौन चला रहा है? दादी
दादी ये है, ये सामने है मिस्टर खर्चा, मिस्टर खर्चा चुप कर, जेड़ा मर्जी सोच ले सारे पार्ट टाइम करन तैयार है। मां कसम एम्बुलेंस लगती
समझे? जब भी तुम सफेद साड़ी पहनकर लाल बेटी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस लगती है और बीच बीच में बजा के देना, ठीक है? चलो तू इससे आ। नहीं नहीं मम्मी, जब रोमांटिक डायलॉग अपने देख कर बोलेंगे ना, खींच का रोमांस के साथ। जब जब भी तुम सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो, मैंने कहा यार पंजाबी में बोल दीजिए, पंजाबी में सुन लो, जब भी तुम लाल साड़ी पहनोगे सफेद। सर थोड़ा रोमांस चाहिए, शो के लिए फाइनल कर दे। टू बेटा जीत जा, एक कर जा, कोई तुम्हारा पति मिलेगा जीत जा। चलो चलो शाबाश जल्दी 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 कीजिए ना। यहाँ से जाने के बाद एक हफ्ते तक इसे कुछ नहीं होगा। आपका बाग कौन छोड़ता है, कौन छोड़ता है? आपके ख्याल से कौन छोड़ेगा? मीका सिंह का ठीक है। ओ